हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मीठी सेवैयाँ, भुनी सेवैयाँ या सेवैयों का ज़रदा, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं दे दीजिए, वो रेसिपी लेकर आई हूँ। आई नो ये रेसिपी बहुत ईजी और सबको बनाने आती है, बट मैं अपने मेरे घर में फैमिलीज में कैसे, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर और नानी वगैरह कैसे बनाती आई हैं, वो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक पैकेट सेवैयाँ ले लिया है और यहाँ पे मैं असली घी से बनाऊँगी, तो इसका भी एक अलग ही टेस्ट इन्हेंस होकर आता है। नॉर्मल घी भी बना सकते हैं, लेकिन आप असली घी की सेवैयाँ खाएंगे और विंटर में तो ये बस चार चांद लग जाते हैं। यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच असली घी लिया है, 2 इलायची को कड़कड़ाया है और 1 सेवैयों को पैकेट को अच्छी तरीके से मैंने कुचल दिया है। अब आप इसको जैसे भी कुचलना चाहते हैं वो कुचल लीजिए। अब इसको मैंने अच्छी तरीके से हाथ से भी तोड़ा है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी बड़ी सी रह गई और फिर जब हम इसको कढ़ाई में डालते हैं तो ये ज़्यादा मतलब चूल्हा भी गंदा करती है, तो मैं इसको पहले प्लेट में प्रॉपर तरीके से निकाल लेती हूँ, चूरा कर लेती हूँ, देन मैं इसको ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी घी में अच्छी तरीके से भुनाई की, भुनाई इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन भुनी सेवैयाँ। अच्छा जी, यहाँ पे शुगर डालनी है यानी चीनी डालना है अपने हस्बैंड जायका के हिसाब से। यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच चीनी डाली है और 1/2 खाने का चम्मच असली घी और ऐड किया है। थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने लगभग थोड़ा सा पानी यानी 1/2 कप मैंने पानी लिया है, वो मैंने डाल दिया है और यहाँ पे आप जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी सेवैयाँ ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। 1 से 2 मिनट मैंने इसे दम पे लगाया था। अब यहाँ पे मेन ट्विस्ट है, जो हमारे पास मलाई होती है वो मैं जमा करती हूँ, फिर उसको डीप फ्रीज़र कर लेती हूँ, तो उसके चंक्स मैंने डाले हैं इसमें। यकीन माने इससे इसका मज़ा दुबाला हो जाता है और बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आता है। देन मैंने इसे बादाम काजू पिसा हुआ खोपरे से गार्निश किया। तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।